हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग आई एम टू के साथ एंड इन टूडेज वीडियो आज हम मेकअप हैक्स टेस्ट करने वाले वायरल टिक टॉक मेकअप हैक्स जो है वो आज हम ट्राई आउट करेंगे दो तीन मैंने देखे हैं तो लेट्स <clears> सी <throat> कि वो वर्क करते हैं या नहीं सो आई एम गने ट्राई दोज आउट टूडे एंड आई विल शो इट टू यू गाइज सबसे पहले ये वाला है जिसमें इन्होंने बोला है कि ट्रांसल्यूसन पाउडर में फाउंडेशन को मिक्स करने से वो फुल कवरेज होता है एंड वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है सो आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है बहुत ही बट स्टिल आई एम गने ट्राई इट एंड गिव इट टू शॉर्ट की कैसा लगता है मेरी स्किन पर तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने ये लॉरियाल का इन्फॉलेबल ट्वेंटी फोर आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन लिया है दिस इज़ बिल्डेबल कवरेज ये एक्चुअली ग्लोई फाउंडेशन है तो इसका कवरेज इतना ज़्यादा है नहीं सो so, इसीलिए मैंने ये माइल्ड कवरेज लाइक मीडियम कवरेज का लिया है ताकि पता चले कि वो फुल कवरेज होता है कि नहीं अगर फुल कवरेज में ही मिक्स करेंगे तो ऑलरेडी फुल कवरेज है तो कुछ ऐसे यू you नो know, पता नहीं चलेगा सो आई एम टेकिंग दिस एंड मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग प्लेट ली हुई है उसमें से मैं थोड़ा सा कितना दो पंप तीन तीन साढ़े तीन पंप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आई डोंट नो इफ दिस इज़ इनफ बट आगे देखेंगे एंड यहाँ पे आप uh, कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो मैंने यहाँ पे स्टेलर ब्यूटी कर लिया हुआ है एंड दिस इज गोना बी मेसी बट कितना डालना है वो एग्जैक्टली exactly उसमें बोला नहीं है बट चलो भगवान भरोसे हम लोग चलते हैं तो मैंने इसमें इतना पाउडर डाला है गिर नहीं जाए इसलिए थोड़ा और डालते हैं जस्ट फॉर फन तो मैंने इतना पाउडर लिया हुआ है अभी इसको मिक्स करते हैं ये उड़ रहा है हर जगह पे बट इट्स ओके चलो ठीक है थोड़ा तो मिक्स होने लगा है ये ऐसे मैंने इसको मिक्स किया है नहीं एक्चुअली ज़्यादा प्रोडक्ट है नहीं बस ये प्लेट है तो इसलिए फैल गया है ऐसे सो लेट्स सी अभी इसको ट्राई आउट करते हैं इसको मैं अपने चेहरे पे ऐसे डॉट कर लूँगी पहले थोड़ा थोड़ा सा हर जगह पे लगा लूँगी एंड डोंट वरी आई नो ये थोड़ा लाइट शेड है बिकॉज <laughs> मैं थोड़ी आजकल ना ज़्यादा धूप में घूम रही हूँ तो इसीलिए थोड़ी सी टैन हो गई मैं तो अभी ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है उससे मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी भी बहुत जल्दी सेट हो रहा है इसको वरना ये ग्लोई फाउंडेशन है तो इतना इतना जल्दी ये सेट होता है नहीं तो इसको जल्दी से ब्लेंड करना पड़ेगा मुझे मुझे ये थोड़ा कम प्रोडक्ट लग रहा है इसलिए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं थोड़ा और लूँगी प्रोडक्ट दो मिनट uh, बैठने दिया है आई I मीन mean, उसको आई लेट इट सेट फॉर टू मिनट्स उसको थोड़ा रेस्ट दिया है ताकि वो सेट हो जाए वगैरह एंड आई मीन आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस बिकॉज पता नहीं क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो आई एम नॉट लाइकिंग इट मच एंड मैं विल आई यूज इट विल आई कीप डूइंग दिस एवरी डे आई डोंट थिंक सो बिकॉज मुझे ना पूरा झमेला नहीं करना है फाउंडेशन uh, डालो उसमें पाउडर डालो फिर इधर उधर गिर गया कपड़े खराब हो गए मुंह खराब हो गए बाल खराब हो गए सो so, <laughs> मुझे वो नहीं चाहिए सो आई विल पर्सनली नॉट यूज इट बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट सी दैट मच ऑफ अ डिफरेंस इज जस्ट दैट कि थोड़ा अपने आप पर सेट हो गया है इसके बाद आपको सेटिंग पाउडर uh, लगाने की जरूरत नहीं है या फिर पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है दैट्स द ओनली डिफरेंस ड्राई स्किन वालों के लिए आई डोंट थिंक दिस विल वर्क बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन गिव दिस अ गो डेफिनेटली ट्राई इट बिकॉज ये उसने ग्लोई फाउंडेशन को पूरा मैट कर दिया है ऑलमोस्ट मैट कर दिया है इट्स इट्स नॉट लाइक एकदम ड्राई वाला मैट सो दैट इज ऑल्सो गुड वरना ये एक पूरा शाइनी फाउंडेशन है सो so, अगर आपकी ऑयली स्किन है देन दिस विल वर्क फॉर यू आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे बताएगा कि आपके लिए ये काम किया कि नहीं मेरे लिए टू तो बी ऑनेस्ट uh,

सो आई एम गोना ट्राई दैट आउट राइट नाउ वही प्लेट पर यहाँ पर मैंने uh, ये मेबलिन का सुपर स्टे मैट इंक वाला लिपस्टिक लिया आई थिंक शी इज़ ऑल्सो यूजिंग द सेम वन सो आई एम गोना गिव इट टू गो विद द सेम थिंग तो मैंने इसको लेते कैसे यार हाँ इतना इतना लिपस्टिक लिया थोड़ा और लू कम है ज़्यादा है आई डोंट नो हाँ तो मैंने इतना लिपस्टिक लिया हुआ है ओके आई थिंक दैट शुड बी इनफ एंड देन उसमें मैं थोड़ा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी uh, दो ड्रॉप्स जितना एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट दो ड्रॉप्स जितना फाउंडेशन लिया है मैंने एंड देन उसको ऐसे मैं मिक्स कर रही हूँ तो ये ऐसा शेड हो गया है नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन माई फेस एंड इसको तुरंत मैं ब्लेंड कर दूंगी फाउंडेशन ब्रश से आई सीइंग दिस लाइक वाओ ओके आई लव इट आई ऑलरेडी लव इट दिस इज दिस इज सो गुड लाइक अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है या फिर आ, वो टिंट नहीं है तो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हो क्योंकि कभी ना क्या होता है कि डायरेक्ट आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो अपने चेहरे पे तो वो कभी बहुत डार्क हो जाता है और फिर उसको ब्लेंड आउट करना फिर पूरा बेज निकल जाता है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट उसको थोड़ा लाइट करने के लिए यू कैन यूज़ दिस यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस हैक लाइक दिस इज़ अमेजिंग लाइक वाओ थोड़ा नोज़ पे भी बिकॉज वाई नॉट आई लव इट I love the blush on the nose. Wow, just wow. Like you see कितना natural finish आ रहा है like ऐसे नहीं लग रहा ki कि हाँ yahan यहाँ पे hua hai वैसे पता नहीं चला रहा है कि एक धब्बा यहाँ पे है so that's not there and that's amazing थोड़ा इधर ये थोड़ा ज्यादा हो गया उसको ज्यादा ब्लैंड कर लूँगी मैं कोई बात नहीं डोंट वरी चिंता मत कीजिए सो या एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा मेरे ख्याल से बिकॉज पूरा लिपस्टिक है ना वो मैट मैटिफाइंग लिपस्टिक है सो वाह आई लव दिस आई लव दिस आई आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस आप ज़रूर ट्राई कीजिए एंड ये कोई ऐसे अलग तो प्रोडक्ट है नहीं कि आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा वगैरह इंस्टेंट आपकी बचत बच्च, हो जाएगी क्रीम ब्लश यूज़ नहीं करना पड़ेगा बाय नहीं करना पड़ेगा आपको सो जस्ट एक लिपस्टिक लीजिए लिक्विड लिपस्टिक एंड उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के ट्राई कीजिए एंड बताइए कमेंट में जरूर सो द फर्स्ट वाला वॉज डेफिनेटली आई मीन ऑलमोस्ट अ फेल फॉर मी ऑयली स्किन वालों के लिए यू कैन ट्राई इट आउट मेरे लिए इट डेंट वर्क एंड द सेकेंड वाला वॉज ग्रेट पास फॉर मी आई लव्ड इट एंड थैंक यू शाफिया फॉर दिस आई लव इट आई विल कीप ऑन ट्राइंग दिस आई विल कीप ऑन डूइंग दिस एंड अभी चलते हैं थर्ड वाला हैक पे तो मैंने बाकी सब जगह पे ब्राउजर लगा लिया हुआ है सिर्फ नोज़ पे नहीं लगाया है एंड यूजुअली मैं इतना लगाती नहीं हूँ बिकॉज आई थिंक माय नोज इज़ परफेक्ट आई मीन मेरे हिसाब से मुझे ये परफेक्ट लगती है एंड लाइक आई लाइक इट द वे इट इज़ तो मैं ज़्यादा कुछ इस छेड़छाड़ नहीं करती हूँ तो ये वीडियो में इन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने एक पतलू सा ब्रश लिया हुआ है लाइक like, पीछे जिसका ऐसे हो एकदम पतलू सा ब्रश लेके शी इज़ यूज फ्लफी ब्रश एंड देन उसको फिर ब्रॉन्जर ब्रॉन्जर से उसको ऐसे कर दिया ताकि <coughs> सॉरी ताकि प्रॉपरली वो कॉन्ट्रोल हो जाए एंड उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइटर उसने बीच में लगा दिया है सो आई एम गना डू द सेम यहाँ पे मैंने ये एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ है बट इसका शेड डार्क है सो आई यूज इट नॉर्मली एज अ कॉन्ट्रोरिंग और ब्रॉन्जिंग पाउडर एंड यहाँ पे एक ऐसा फ्लफी सा ब्रश लेके उसको थोड़ा सा डिप करके फिर एक्सेस को टैप ऑफ कर देना है ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना आए यू डोंट वांट योर नोज़ टू लुक टू पॉइंटेड सो यहाँ पे ऐसे आई थिंक ये सीधा है हाँ ठीक है ऐसे मैंने रख दिया एंड उसको वो ऐसे कर रही है आई डोंट नो कैसे करना है एग्जैक्टली exactly? ऐसे मुझे नहीं पता मैं सही तरह से कर रही हूं मैं फिर से इसमें डिप कर रही हूँ एंड आई डू द सेम ये क्या था लाइक व्हाट इज दिस व्हाट ऑन अर्थ इज ये ये क्या है लाइक like, अजीब ही लग रहा है ये तो और गंदा हो गया मतलब क्या यार ओके नो नोस कॉन्टोर इज नॉट फॉर मी नहीं ये क्या है नो दिस इज अ हार्ड फेल प्लीज़ प्लीज़ ये ये मत ट्राई कीजिए इससे अच्छा है कि एक पतलू सा ब्रश लेके आप थोड़ा सा वो कर दीजिए या फिर अगर मोटा ब्रश है तो दूर से इसे हल्के हाथ से द, बस डस्ट कर दीजिए ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन आ जाए बाकी ये ऐसे ऐसे कारना में मत करे प्लीज नो दिस इज डेफिनेटली अ फेल एंड आई विल नॉट बी ट्राइंग दिस एवर अगेन अपनी जिंदगी में मैं ये कभी नहीं करूंगी अपनी पुअर पुअर बेचारी नाक के साथ आई एम सॉरी मिनोज आपको इतनी तकलीफ देनी पड़ रही है मुझे ये क्या है वॉट इज दिस आई थिंक दिस ओनली वर्कस फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी हैव दैट परफेक्ट नोज भाई ये मत करो प्लीज़ क्योंकि ये जा ही नहीं रहा है uh, अजीब है सो दिस वॉज डेफिनेटली फेल तो so, ये तीन हैक्स में तो मेरे लिए तो एक ही हैक काम किया सो या देर वॉज ओनली वन पास फॉर दिस वीडियो एंड या अगर आपके पास ऐसे को और हैक्स है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं ट्राई करूँगी आपके लिए मैं खुद की बलि चढ़ाऊँगी जैसे अपनी पकौड़ा नोज मैंने कर दी थी इसमें नोज़ को अपना अजीब ही कर दिया अभी भी नहीं जा रहा है देखो ये सो या इट्स ओके कोई बात नहीं um, मैं आपके लिए ये बलिदान करने के लिए रेडी हूँ आप चाहे तो कुछ भी मुझे सजेशन दे सकते हैं मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की um, आज के लिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस मोर हैक्स लाइक दिस देन कमेंट डाउन बिलो एंड अगर आपको ये पसंद आया तो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल